स्टूडेंट्स नमस्कार। आई होप आपने PYQs देखे होंगे और वहां पर आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस या फिगर दिखे होंगे। यदि आप उनको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इनमें नॉर्मली आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल पूछा जाता है। साथ ही यहां पर तीन कैटेगरीज मिलती हैं आपको, एक तो नॉर्मल सवाल जैसे कि यहां पर ये दिख रहा है, दूसरा यहां पे कई बार कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंडिंग का यूज होता है, और तीसरी बात यहां पर कई बार दो या दो से अधिक सेल्स को वो आपस में कनेक्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उन सबको हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। यहाँ पर फिगर वन में देखिए, आपके पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, एक सेल है, सेल पे चार्ज क्यू है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अंदर के पॉइंट ए की। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो आपको याद आएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, साथ ही यहाँ पर जो पोटेंशियल रहता है आपका के क्यू अपॉन आर, आर जो है इस सेल की रेडियस है। यानी कि यहाँ पर देखिए पॉइंट ए की डिस्टेंस रेडियस से कम है, बट जो फॉर्मूला में वैल्यू आ रही है वो आ रही है आर। यानी कि पूरे के पूरे सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल वो है फिक्स, और यहाँ पर उसकी डिस्टेंस नहीं आएगी बल्कि आएगी यहाँ पर सेल की रेडियस। क्लियर थी इसी बात। वहीं जब हम लोग बाहर जाते हैं यानी कि पॉइंट बी पर फोकस करते हैं तो आप पाओगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जिसकी वैल्यू है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो x है वो पॉइंट b की इस सेल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वही है ना। वहीं यहाँ पर अगर हम लोग पोटेंशियल को देखें तो आपको मिलेगा के क्यू अपॉन एक्स, राइट ना। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जब भी अंदर के पॉइंट की बात होगी तो वहाँ पर डिस्टेंस की जगह आ जाएगा आपका रेडियस, और जब भी बाहर के पॉइंट की बात होगी तो जो भी डिस्टेंस हो रही होगी उस पॉइंट की उस सेल के सेंटर से वही आएगी। क्लियर थी इसी बात। ना इस बात को याद रखते हुए हम लोगों को सॉल्व करना है ये फिगर नंबर सेकंड में। यहाँ पर देखिए आपके पास दो सेल हैं जिन पे Q1 Q2 चार्ज है और जिनकी रेडियस R1 एंड R2 है। यहाँ पर आपके पास तीन पॉइंट है A, B और C। पॉइंट A दोनों सेल के अंदर है, पॉइंट B एक सेल के बाहर है और दूसरी के अंदर है, और पॉइंट C तीनों सेल के बाहर है। तो आइए हम लोग निकालते हैं पॉइंट A पर पोटेंशियल। यदि आप ध्यान दें, चूँकि पॉइंट A दोनों सेल के अंदर है तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, देखिए इस फॉर्मूले को भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा k टाइम्स q1 अपॉन r1, राइट, r1 के अंदर है तो उसकी रेडियस, और सेल 2 के अंदर भी है तो उसकी भी रेडियस ही आएगी यहाँ पर, इसलिए k q अपॉन r2। क्लियर थी इसी बात। नाउ अब पॉइंट b की बात करें तो a सेल से तो बाहर है, राइट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, k q1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट b फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल वन, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको RB। क्लियर थी इसी बात। नाउ पॉइंट बी सेकंड सेल के लिए तो उसके अंदर ही है, राइट। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, के क्यू टू अपॉन R2। क्लियर थी इसी बात। नाउ वहीं पे यदि हम लोग सी पर देखें तो ये तो दोनों सेल के बाहर है, तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा के Q1 अपॉन RC प्लस के Q2 अपॉन RC। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो सेल है ना कॉन्सेंट्रिक, यानी इनका सेंटर सेम है, इसी वजह से दोनों डिस्टेंस सेम आ रही है। क्लियर थी इसी बात। नाउ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। देखिए अब सेल का नंबर दो की जगह अब तीन कर दिया है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इससे? आई होप समझ गए होंगे कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि कोई पॉइंट कितनी सेल के अंदर है और कितनी सेल के बाहर है, दैट्स इट। नाउ यहाँ पर देखिए तीनों सेल पे अलग अलग चार्ज है, Q1, Q2, Q3, और तीनों की रेडियस है R1, R2, R3 अलग अलग, ठीक है ना। पॉइंट ए सब के अंदर है तो क्या मिलेगा आपको, देखो बहुत सिंपल सी बात है, K टाइम्स Q1 अपॉन R1, राइट, प्लस K टाइम्स Q2 अपॉन R2 प्लस K टाइम्स Q3 अपॉन R3, राइट। क्लियर है। यदि हम लोग पॉइंट बी को देखें तो पॉइंट जो बी है वो एक सेल के बाहर है और दो के अंदर है, तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट सेल के बाहर है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, के Q1 अपॉन आर ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस के Q3 अपॉन R3, ठीक है ना। RB क्या है, पॉइंट बी की डिस्टेंस है सेल नंबर वन के सेंटर से। क्लियर थी इसी बात। नाउ पॉइंट सी पर देखते हैं, पॉइंट सी दो सेल के बाहर है और तीसरी के अंदर है। सीधी सी बात है, आप क्या लिख सकते हैं, देखिए के टाइम्स Q1 अपॉन RC प्लस के टाइम्स Q2 अपॉन RC
प्लस के टाइम्स क्यू थ्री अपॉन आर थ्री, क्योंकि वन और टू के बाहर है और थ्री के अंदर है। ठीक है, दोनों में आर सी क्यों आया, क्योंकि दोनों ही जो सेल है ना कॉन्सेंट्रिक, इनका सेंटर सेम है, तो डिस्टेंस भी आपको सेम मिलेगी पॉइंट सी की, राइट। नाउ अब डी पॉइंट देखिए, डी पॉइंट तीनों ही सेल के बाहर है, राइट। अब क्या आएगा देखिए, सीधी सी बात है, तो अब आप बहुत आसानी से लिख सकते हो के क्यू वन अपॉन आर डी प्लस के क्यू टू अपॉन आर डी प्लस के क्यू थ्री अपॉन आर डी, राइट, क्योंकि सारे के सारे सेल का सेंटर सेम है तो डिस्टेंस भी सेम आ रही है। नाउ आई होप इसको देखकर आप बहुत आसानी से पोटेंशियल लिखना सीख गए होंगे, राइट। तो आइए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें, तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है कि सेल वन और सेल थ्री आपस में कनेक्ट कर दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान रखिएगा, जब भी दो मेटल सेल कनेक्टेड हो जाएंगे या मेटल कोई भी डिवाइस कनेक्टेड हो जाएंगे, उनका जो पोटेंशियल है सेम हो जाएगा, राइट। कनेक्शन मतलब सेम पोटेंशियल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कनेक्शन इम्प्लाइज सेम पोटेंशियल, ओके। अच्छा, अब ये सेम पोटेंशियल कैसे होगा, तो मान लीजिए अगर कोई पहले ज्यादा पोटेंशियल पे था, कोई कम पोटेंशियल पे था, ठीक है, सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ अपना पोटेंशियल लूज करेगा, कोई गेन करेगा, तो यहाँ पर जनरली क्या होगा कि चार्ज का आदान प्रदान होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ चार्ज दिया जाएगा, कुछ ना कुछ लिया जाएगा, क्लियर इतनी सी बात। तो यदि हम लोग यहाँ पर सवाल देखें, तो आपको यहाँ पर देखेगा कि देखिए, तो सेल टू को क्यू चार्ज दिया हुआ है और दोनों सेल न्यूट्रल थी, यानी कि सेल वन और सेल थ्री पे कोई भी चार्ज इनिशियली नहीं था, फिर इनको कनेक्ट कर दिया गया, तो अब इन पर क्या चार्ज आया होगा, राइट। बाहर से कोई चार्ज नहीं दिया है, यानी कि अंदर ही अंदर चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, था कोई चार्ज है नहीं, इसका मतलब क्या है कि एक से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह गए होंगे, यानी कि जितना चार्ज एक पे नेगेटिव आया होगा उतना दूसरे पे पॉजिटिव आया होगा, राइट, क्योंकि बाहर से तो कोई चार्ज आ नहीं रहा है, इतनी सी बात क्लियर है। अच्छा, और पोटेंशियल क्या रहना चाहिए, सेम। अब पहले देखते हैं क्या इसमें पोटेंशियल सेम होगा या नहीं होगा, स्टार्टिंग कंडीशन मान के चलिए जब ये कनेक्शन था नहीं। हम लोग देख चुके हैं यदि सेल नंबर टू पे चार्ज होगा तो सेल नंबर वन पर क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल, जो सेल टू के सरफेस पे होगा भाई सेल वन पे होगा, क्योंकि अंदर का पॉइंट है, सारे पॉइंट का सेम पोटेंशियल। बट जो थ्री सेल है वहां पर पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि डिस्टेंस बदल जाएगी, यानी कि यदि आप याद कर पाओ तो स्टार्टिंग में, यानी कि जब कनेक्शन नहीं है उस वक्त जो पोटेंशियल होगा सेल नंबर वन पर आपको मिलेगा V इक्वल टू के टाइम्स क्यू अपॉन आर टू, ठीक है, और पॉइंट नंबर यानी कि सेल थ्री पे आपको मिलेगा V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर थ्री। जाहिर सी बात है दोनों में डिफरेंस है, राइट। पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, जिसका रेडियस कम, यानी कि पोटेंशियल ज़्यादा है आपका इसमें अंदर वाली सेल यानी फर्स्ट सेल का, और बाहर वाली सेल का कम है, हालांकि वन और टू का सेम रहेगा, राइट, क्योंकि वन टू के अंदर है और टू का जो होगा वही वन का होगा। नाउ तो ये तो था पहले की सिचुएशन जब कनेक्शन नहीं था, अब मान लो कनेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है ये जो पोटेंशियल दिख रहा है आपको वन और थ्री के बीच का, इसको कम होना होगा, यानी कि यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ जाएगा, राइट। नाउ अब समझते हैं क्या हो रहा होगा, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए, सेल वन और सेल थ्री कनेक्टेड है तो क्या होगा, कुछ चार्ज फ्लो हो जाएगा सेल वन से सेल थ्री की तरफ। तो मान लेते हैं सेल वन ने सेल थ्री को क्यू डैश चार्ज दे दिया, इसके पास क्या आ जाएगा, सेल वन के पास माइनस क्यू डैश, राइट। नाउ अब हम लोग इन सबका पोटेंशियल निकालते हैं या लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए पोटेंशियल ऑफ बी वन, फर्स्ट सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका खुद का चार्ज माइनस क्यू डैश के अपॉन इसकी खुद की रेडियस आर वन प्लस, ठीक है, के क्यू अपॉन आर टू प्लस के क्यू डैश अपॉन आर थ्री, यही पोटेंशियल होने चाहिए सेल थ्री का, यानी कि पहले मैं लिखता हूँ वी थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, देखो जाहिर सी बात है माइनस क्यू डैश अपॉन आर थ्री प्लस के क्यू अपॉन आर थ्री प्लस क्यू डैश अपॉन आर थ्री के, इसको हम लोग लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से के अपॉन आर थ्री ब्रैकेट में
क्यू, राइट, क्लियर थी सी बात। सो नाउ बी वन इज इक्वल टू बी थ्री, क्लियर थी सी बात। तो ये हम लोग करते हैं यहाँ पर, देखिए बी वन इज इक्वल टू बी थ्री, तो यहाँ पर आपको दिखेगा बहुत ही अच्छे तरीके से माइनस क्यू डैश अपॉन आर वन प्लस क्यू अपॉन आर टू प्लस क्यू डैश अपॉन आर थ्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर थ्री, राइट। नाउ अब किसी सवाल है यहाँ पे आपको आर वन टू का कुछ वैल्यू दे देंगे, वहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मेरा जो मीनिंग है यहाँ पर, यदि आप सॉर्ट आउट करो तो यहाँ पे देखो आपको क्यू वन डैश की वैल्यू नहीं मिल सकती, राइट। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है क्यू वन डैश बाहर निकाला, राइट, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर वन अपॉन आर थ्री माइनस वन अपॉन आर वन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्यू बाहर आ जाएगा आपका वन अपॉन आर थ्री माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है। नाउ यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू भी मिल जाएगी, राइट। इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या आएगी, सीधी सी बात है क्यू डैश इज इक्वल टू आर वन माइनस आर थ्री डिवाइड बाई आर वन आर थ्री इज इक्वल टू क्यू टाइम्स आर टू माइनस आर थ्री डिवाइड बाई आर टू आर थ्री, राइट। अब देखिए यहाँ पर आर वन छोटा है और आर टू भी छोटा है आर थ्री से, तो ट्विस्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, राइट। दोनों में यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दे माइनस से, राइट, ये माइनस चला जाएगा अंदर, यानी यहाँ पे आपको अब मिल जाएगा देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। नाउ आर थ्री से आर थ्री कैंसिल, राइट, तो आपको यहाँ पे क्यू डैश बराबर क्या मिलेगा, देखिए सीधी सी बात है क्यू आर वन डिवाइड बाई आर टू साथ ही यहाँ पे आर थ्री माइनस आर टू और आर थ्री माइनस आर वन, ठीक है। तो ये मिल गई आपको क्यू डैश की वैल्यू। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि चार डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, राइट। नाउ तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ग्राउंडिंग का। तो इसको आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी ग्राउंडिंग होगी वहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। ग्राउंडिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपको देखना है क्या V इज इक्वल टू जीरो, चार जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। लिख दे रहा हूँ क्यू मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है, फिक्स नहीं है, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट एक चीज फिक्स है वो क्या है, पोटेंशियल जीरो होगी, आपको इस बात को पकड़ के रख लेना है। नाउ अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए पहले ग्राउंडिंग नहीं होती, ठीक है, फिगर फर्स्ट में आप देखिए अगर ग्राउंडिंग नहीं होती तो यहाँ पर जो सेकंड सेल है यहाँ पर क्या पोटेंशियल आती, के क्यू अपॉन आर टू, इसकी जो भी रेडियस होती, राइट। अब यहाँ पर ग्राउंडिंग है तो पोटेंशियल होनी चाहिए जीरो, यानी कि देखो अगर सिर्फ क्यू चार्ज रहता तो इसकी पोटेंशियल जीरो नहीं हो पा रही, यानी कि इस सेल नंबर टू पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाए तो उसकी पोटेंशियल जीरो हो सकती है। तो मान लेते हैं इस पर चार्ज है आपका क्यू डैश, अब इसकी पोटेंशियल लिखते हैं, देखो क्या होगा इसकी पोटेंशियल, पोटेंशियल हो जाएगी नंबर टू पे के क्यू अपॉन आर टू, राइट, प्लस के क्यू डैश अपॉन आर टू, इसकी होगी पोटेंशियल। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि हमने कर दिया इसको ग्राउंडिंग, सो वी टू इज इक्वल टू जीरो। यदि आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो के से के कैंसिल आर टू से आर टू, यानी आपको मिलेगा क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, ठीक है, क्लियर थी सी बात। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना कि ग्राउंडिंग है बट एक चार्ज है ना, ओके, चार्ज क्या है माइनस क्यू, जो कि कहाँ से आया, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ गए इस सेल के ऊपर, ओके। नाउ अब मान लीजिए अंदर वाला ग्राउंड हो जाए तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप मान लीजिए इस पर कोई चार्ज क्यू डैश है, ठीक है, राइट, अब इसकी पोटेंशियल निकालिए बाद इसको जीरो कर दीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर देखो V इज इक्वल टू आपको मिलेगा K टाइम्स क्यू डैश अपॉन इसकी रेडियस आर वन प्लस K टाइम्स क्यू अपॉन आउटर रेडियस आर टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आपको क्यू डैश मिल जाएगा, देखो कैसे, कैसे के कैंसिल, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन आर टू इंटू आर वन, राइट। तो आप बार बार देख पा रहे हैं कि चार्ज जीरो नहीं है लेकिन पोटेंशियल जीरो है, राइट,
उस सिचुएशन में चार्ज नहीं भी होगा और पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगी, राइट। ओके नाउ अब थोड़ा सा और देखते हैं। यदि यहाँ पे थे हमारे पास दो सेल, अब है हमारे पास तीन सेल, अब क्या करेंगे? यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर यदि ग्राउंडेड ना होता तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिलेगी आपको, राइट, क्योंकि Q1 चार्ज अंदर की सेल पे, बाहर की सेल पे Q3। तो सीधी सी बात हम लोग देख चुके हैं यदि पहले से ही कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि Q1 और Q3 की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अब हमने कर दिया इसको ग्राउंडेड, हमें चाहिए जीरो पोटेंशियल। तो मान लेते इस पर कोई चार्ज Q' है, फिर से क्या दिक्कत है, राइट। अब इसके पोटेंशियल लिखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी पोटेंशियल V इज इक्वल टू के Q1 अपॉन R2 प्लस के Q' अपॉन R2, राइट, प्लस के Q3 अपॉन R3, राइट ना, क्योंकि R3 यानी जो सेल 3 उसके अंदर है तो R उसकी रेडियस आ जाएगी, राइट। यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, आई होप अगर आपने पहले स्टार्टिंग से पूरा वीडियो सही से देखा तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नाउ अब ये ग्राउंडेड है तो इसकी पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, जीरो। यहाँ पे अब निकालना हमें Q डैश, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे देखो, Q' अपॉन R2 इज इक्वल टू Q3 अपॉन R3 माइनस Q1 अपॉन R2, राइट, देन Q' इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ Q3 अपॉन R3 इंटू R2 माइनस ऑफ Q1, राइट। आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही सिंपल लगा होगा। मान लीजिए ग्राउंडेड थर्ड को कर दे या फर्स्ट को कर दे, आपको कॉन्सेप्ट सेम ही लगाना है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। आई होप एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। अब कई बार क्या करेगा, देखिए यहाँ पर क्यू चार्ज लिया हुआ है, इसलिए आपको सवाल में यहाँ पे कुछ डेंसिटी दे देगा, राइट। मान लीजिए सिग्मा दे दिया, σ1 σ2 σ3, देन आपको क्या करना है, क्यू बराबर क्या होता है, σ × उसका एरिया, दैट्स इट, बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लीजिए, या जो भी आपको कंडीशंस दे रहा हो, राइट। नाउ ओके अब देखिए यहाँ पर कई बार क्या करेगा, आपको आउटर और इनर सरफेस पे चार्ज पूछता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए तीन सेल है, तो सरफेस कितनी हो जाएंगी, 6, क्योंकि एक सेल की दो सरफेस, एक अंदर की एक बाहर की, दूसरी की एक अंदर की एक बाहर की, तीसरी की अंदर की बाहर की, टोटल होगी 6। तो क्या करेगा, आपको इनर और आउटर सरफेस पे पूछेगा भैया चार्ज कितना है। अभी तक हम लोग जो चार्ज निकाल रहे थे वो पूरी सेल पे था, यानी कि इनर प्लस आउट, ठीक है। अच्छा, सेल पतली है तो रेडियस दोनों की सेम ही होती है ना। अब यहाँ पर यदि पूछे कि अंदर बाहर चार्ज क्या है, तो आप कैसे निकालोगे, पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ फिर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए, तो आपको याद रखना है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है किसकी वजह से होता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एटम है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है ना इस तरफ भागेंगे और पॉजिटिव चार्ज भागेगा इस तरफ, राइट। तो डिस्टॉर्शन मिलता है चार्ज का आपका, राइट, ठीक है। सो आपको कैसे मिलेगा, यही एटम आपको कैसे मिलेगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, सेम काम होगा यहाँ सेल पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि जो बाहर की सेल है उसमें यूनिफॉर्म चार्ज है, उसकी वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, राइट, क्लियर थी सी बात। सो अब यहाँ पर देखो, जो Q1 चार्ज है अंदर की सेल पे है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बाहर, जो Q2 और Q3 सबसे जा रहा होगा भाई, Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, बाहर, यानी 3 की तरफ जा रहा होगा, 3 का अपने बाहर, ठीक है, अंदर तो खुद का जाएगा नहीं ना। तो आप ध्यान से देखो, सबसे सिंपल सी बात यह है कि आपको याद रखना है, पहले मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है, बेसिकली जो Q1 चार्ज है ना, इसका यहाँ पे देखिए अभी कोई ग्राउंडेड नहीं है, राइट, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, क्या, अंदर की तरफ माइनस Q1 प्लस बाहर की तरफ प्लस Q1, ये प्लस Q1 हो गया, ये अगली वाली करेगा क्या, यहाँ पर 3 पे माइनस Q1 बाहर प्लस Q1 बाहर, ठीक है ना। Q2 सेकंड नंबर की है, तो अंदर तो कुछ नहीं करेगा, बाहर करेगा क्या, आप देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे कर देगा माइनस Q2 और बाहर करेगा यहाँ पे प्लस Q2। तो ये आप ध्यान दो, यहाँ पर देखो क्या, अगर सरफेस देखो, सबकी सरफेस हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है, जीरो, यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ Q1। अब दूसरी के अंदर वाले में क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर माइनस Q1, बाहर क्या मिल रहा है, Q2 प्लस Q1,
ठीक है। तीसरी वाली के अंदर की तरफ क्या मिल रहा है आपको, देखो माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू, बाहर क्या मिल रहा है क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री, राइट। यदि आप ध्यान दो देखो इन दोनों के आमने सामने सेम चार्ज है, राइट। ये तो हो गया ट्रिक। अब यार ऐसा हो क्यों रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो आप ध्यान दीजिए जो मेटल है मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं जीरो, ठीक है सी बात ना। थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कीजिए ये जो सेल है ना थोड़ी सी मोटी है, मान लीजिए इतनी मोटी है, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो यहाँ पे आपको मोटा दिख भी रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो। तो अगर इसको हम सेल माने, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेल माने तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, जैसे ये है, देखिए सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे मानता हूँ ये एक ये इनर वाला है और ये एक बाहर वाला है, और हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो आपको मिलता है जैसे ये देखो गॉस लॉ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है इतनी सी बात। अब देखो फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो क्या है चार्ज पूरा फ्लक्स जीरो, तो क्यू एन क्या हो जाएगा जीरो, क्लियर सी बात है ना। अब हम लोग यहाँ पर देखिए दूसरे वाले पॉइंट पर फोकस करते हैं, इस पर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जीरो, तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो ना। अब यहाँ पर आप ध्यान दो तो आपके पास केवल एक क्यू वन जो चार्ज था ना वो आपको इनसाइड दिख रहा है, बट इनसाइड होना चाहिए जीरो नेट। इसका मतलब ये है कि इसकी जो दूसरे की बाउंड्री है इनर बाउंड्री है वहां पर एक चार्ज आए जो इस क्यू वन को कैंसिल करे, तो कितना कर पाएगा कैंसिल, जिसकी बात है माइनस क्यू वन, राइट। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको माइनस क्यू वन, ठीक है ना। सेम प्रकार से यहाँ पर नंबर तीन पे पहुंचते हैं, इसका इनर देखते हैं, इसके इनर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। ये आप ध्यान दो तो यहाँ पर क्या देखो क्यू वन प्लस क्यू टू चार्ज है अंदर, बट हमें देखना चाहिए कि फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो के लिए नेट क्यू इन होना चाहिए जीरो। इसका मतलब ये है कि जो उसकी अंदर की सरफेस है उस पर माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू चार्ज इंड्यूस हो जाए, राइट, तो हो जाएगा जीरो। आई होप यहाँ से आप समझ पा रहे हो कि कॉन्सेप्ट क्या है और साथ ही ट्रिक भी क्या है, राइट। अब आप इसको दो तरीके से ध्यान देख सकते हो, देखो अगर आप ध्यान दे पा रहे हो ध्यान से, तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखो यहाँ पे सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो आप वन बाई वन कर सकते हो, यानी कि आप एक सेल पकड़ो, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर क्यू वन पकड़ा तो क्यू वन के आगे जो नेक्स्ट सेल क्या है क्यू टू वाली, तो वहाँ पर देखो आप इनर साइड माइनस उसका और आउटर साइड उसका अपोजिट प्लस, ठीक है। यदि यहाँ पर माइनस क्यू वन होता तो पहले अंदर आता प्लस क्यू वन और बाहर जाता माइनस क्यू वन, क्योंकि जो नेक्स्ट सामने जो चार्ज इंड्यूस होगा वो अपोजिट होगा, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ प्लस क्यू वन था तो माइनस क्यू वन, यदि माइनस क्यू वन होता तो प्लस क्यू वन, ठीक है, आप बस ऐसे अल्टरनेट करते चले जाइए। तो यहाँ पर देखो क्यू वन से क्या आ गया माइनस क्यू वन प्लस क्यू वन अंदर फिर बाहर, अब जो बाहर वाला क्यू वन है वो नेक्स्ट सेल को इंड्यूस कर रहा होगा, तो माइनस क्यू वन फिर बाहर प्लस क्यू वन। सिमिलरली देखो यहाँ पर अब फिर क्यू टू है, क्यू टू ने क्या किया क्यू थ्री जो है यानी कि जो सेल थ्री है वहाँ पर माइनस क्यू टू फिर बाहर प्लस क्यू टू, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जस्ट एक सेल पकड़ो, ठीक है, उसके अंदर वाला देख लो, उसके बाहर देखो यहाँ पे जो क्यू वन प्लस क्यू टू आ गया, ठीक है, अब इसका नेट का डायरेक्ट लिख दो अगले वाले टर्म में, तो आपको यहाँ माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू दोनों कर दिया, तो यहाँ पे अगले सेल में जो बाहर है वहाँ देखिए प्लस पहुँच रहा है। यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल ले रहा हूँ जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो, ठीक है, इतना तो हम जान ही चुके हैं। यदि ग्राउंडिंग कर दिया जाए तो पोटेंशियल होना पड़ेगा जीरो, तो यानी कि यदि चाहे नेट चार्ज जीरो हो जाए चाहे कुछ चार्ज आ जाए लेकिन हमें पोटेंशियल चाहिए जीरो। यदि आप ध्यान से यहाँ पर देखो यहाँ पे अंदर तरफ क्यू चार्ज है बाहर की जो उस पर माइनस क्यू चार्ज, दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो जाहिर सी बात दोनों कैंसिल आउट तो नहीं हो पाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पर देखो यदि मान लो फॉर एग्जाम्पल यदि आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो आप मान लीजिए यहाँ पे बिफोर ग्राउंडिंग क्या होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आएगा देखो के क्यू अपॉन आर टू राइट माइनस के क्यू अपॉन आर थ्री। अब आर टू और आर थ्री डिफरेंट है तो पोटेंशियल जीरो हो रही है नहीं हो रही, इसके अलावा यहाँ पे आप चार्ज इंड्यूस होना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर आप सीधी सी बात है, यदि आपको सिर्फ पूछा जाए कि भाई साहब इस बी पर कितना चार्ज है बी सेल पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल एक क्यू डैश चार्ज मान लीजिए और आप लिख सकते हैं के क्यू डैश अपॉन आर टू, सबको कर दीजिए जीरो, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि पूछा है कि अंदर सरफेस बाहर सरफेस कितना चार्ज है, तो आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट थोड़ा सा कई बार हेक्टिक या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो हम सिंपली पहले अपना सिस्टम लगाते जो हमने अभी सीखा था,
तो क्या यहाँ पर देखिए, ये ग्राउंडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए तो अंदर है, तो ए क्या करेगा, ये जो सेल के पास क्यू चार्ज है ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर इंड्यूस कर देगा, ठीक है। अब बाहर क्या जाएगा, यहाँ पर प्लस क्यू जाएगा, इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। और यहाँ पे मान लेते हैं क्यू डैश चार्ज आ चुका है पहले से, ठीक है। अब देखो, अब एक तो एक तरीका ये कि हम यहाँ पर इस इन दोनों को बार बार आगे पीछे लिखें, कन्फ्यूज हो, या फिर हम इस क्यू डैश और क्यू को मान लें, हम लोग कुछ भी यहाँ पे मान लेते हैं, कैपिटल क्यू मान ले रहे हैं, ठीक है। अरे ठीक है, जो सम है क्यू डैश प्लस क्यू का, अब हमारे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, राइट नाउ। यहाँ पर यहाँ तक क्लियर है, और अब यहाँ पर सामने जाएगा माइनस क्यू, प्लस जाएगा आगे जाएगा प्लस क्यू, टर्म्स थोड़ा सा कम हो गए ना। अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है जीरो सबकी वजह से, तो फिर देखो फिर से क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात, हम लोग इस पर हम लोग फिर से लिख सकते हैं, देखो V इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अंदर की तरफ माइनस चार्ज है, तो माइनस क्यू अपॉन आर टू, ठीक। फिर क्या करेंगे, प्लस क्यू अपॉन आर टू, ठीक है। दोनों अंदर बाहर, क्योंकि रेडियस बहुत पतला है तो रेडियस दोनों की सेम है, यदि मोटा होता है यहाँ पे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रखनी पड़ती, इस बात को याद रखिएगा। नाउ ये हो गया दो सेल, अब तीसरी सेल में क्या है, देखो तीसरी सेल के लिए हमारे पास है यहाँ पर माइनस क्यू अपॉन के टाइम्स आर थ्री प्लस क्यू के अपॉन आर थ्री माइनस के क्यू अपॉन आर थ्री, राइट। जनरली आप देखोगे, देखो यहाँ पे जो सेम चार्ज कैंसिल आउट हो रहे हैं, राइट, क्योंकि सेम एंड अपोजिट है, तो आप क्या देखोगे यहाँ पर, देखो आप बहुत ही आसानी से पाओगे, देखो ये वाला नंबर सेम है, कैंसिल आउट, ठीक है। ये देखो ये और ये सेम है, तो आपके पास जो टर्म है ना काफ़ी कम हो गए, राइट। और यहाँ पर जो नेट वैल्यू आ रही है यहाँ पर आपकी आ रही है ज़ीरो, तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से क्या निकाल पाओगे, देखो ध्यान से क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्यू अपॉन आर टू इज इक्वल टू क्यू के अपॉन आर थ्री, के से के कैंसिल, सिंपल आपको मिल गया क्यू इज इक्वल टू क्यू आर थ्री इंटू आर टू, राइट। अभी जो क्यू है आपका ना, यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो क्यू जो आपका वो क्यू डैश यानी जो चार्ज अर्थिंग में अर्थ से ऊपर आया प्लस क्यू चार्ज का मिक्सचर है, तो नेट चार्ज अब आप यदि आप क्यू डैश निकालना चाहे तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू, राइट। नाउ यदि आप वैल्यू पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा। तो नाउ आई होप यहाँ से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। नाउ यदि आप समझ गए हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपका जेई का 2018 का प्रॉब्लम दिया हुआ है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए चार्ज की जगह यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज की हुई है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू उसका एरिया, राइट। सो और कोई चेंज होना नहीं है ना। सो नाउ यदि आप समझ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।